हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एपल फिक्स चैनल में। काफ़ी सारे भाइयों को प्रॉब्लम आती है कि आपका जैसे पुराने जो भी मॉडल हैं अपने, उसमें होम बटन खराब हो गए हैं, वॉल्यूम वाले बटन खराब हो गए हैं, साइलेंट वाला बटन खराब हो गया, या फिर लॉक वाला बटन खराब हो गया है। एंड आप काफ़ी दूर हो, आप सर्विस सेंटर पर तुरंत विजिट नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी इश्यूज आता है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल के अंदर ही आपको यहाँ पर सेटिंग के अंदर मिल जाता है कि आप किस तरह से, आप कोई भी जैसे वॉल्यूम का आपका आपका बटन खराब हो गया, आपका वॉल्यूम अब काम नहीं कर रहा, तो आपको वॉल्यूम अगर बढ़ानी है तो आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाकर आप जनरल में जाना है आपको, या फिर आपका नया वाला मॉडल है, आपने iOS 13 अपडेट कर रखा है या फिर उससे भी ऊपर अपडेट है, तो आपको यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी जनरल के नीचे बाहर ही मिल जाएगा। एंड iOS 12 तक का मॉडल आपको जनरल के अंदर मिलेगा। जनरल के अंदर एक्सेसिबिलिटी में जाना है। एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाने के बाद में आपको एक्सेसिव टच का ऑप्शन है, इसमें एक्सेसिव टच का ऑप्शन मिलता है। एंड आपको जो लेटेस्ट वाले मॉडल है उसमें डायरेक्टली आपको टच का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आप यहाँ पर ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद में आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपको एक जो आइकन मिल गया है होम स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप डिवाइस के अंदर जाइए एंड यहाँ से आप सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम आपको अप करना है तो यहाँ से वॉल्यूम अप कर सकते हैं, वॉल्यूम डाउन करना है तो आप यहाँ से वॉल्यूम डाउन भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको म्यूट करना है एंड अनम्यूट करना है, दोनों चीज़ें कर सकते हो। रोटेशन अगर ऑफ करना है आपको स्क्रीन का रोटेशन, तो आप एक एग्जिट जगह पर जाकर उसको रोटेशन ऑफ कर सकते हैं। एंड आपको लॉक करना है तो लॉक वाली स्क्रीन, यहाँ पर लॉक बटन भी, इस तरह से आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। ओके, जो सारी चीज़ों का आप इजिली यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी बटन आपका, जो भी बाहर सारी बटन है जैसे अपना वॉल्यूम का है, साइलेंट का है, होम बटन है, पावर बटन है, कोई भी बटन खराब हो जाता है तो आप इजीली इसे काम चला सकते हैं। एंड जब भी आपको टाइम मिले सर्विस सेंटर पर विजिट कर सकते हैं एंड वहां से इसको रिपेयर करवा सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे और भी ऑप्शन है, जैसे आप सिंगल टैप के ऊपर, यहाँ पर होम मेन्यू कर रखा है, अगर आप यहाँ पर सिंगल टैप के ऊपर आप सीधा होम स्क्रीन कर देते हो तो होम स्क्रीन पर जाएगा सिंगल टैप पर। यहाँ से जैसे मैंने होम कर लिया तो सिंगल टैप किया, होम स्क्रीन पर चला गया, डबल टैप पर ये बैक का आ जाएगा। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। डबल टैप एंड लॉन्ग प्रेस, डबल टैप वाले पर अगर आप कुछ भी ऑन करना चाहते हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन वाला ऑन करना चाहते हैं, तो यहाँ से डबल टैप पर नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरह से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पर फीचर्स हैं, इन फीचर्स को आप इजीली यूज कर सकते हैं। सिंगल टैप, डबल टैप एंड लॉन्ग प्रेस, तीनों को आप इजीली अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। ये सजेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक आ सकें।